गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखो कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी, जिसमें मैंने आपको डिग्री, कोफिशेंट्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सब चीज़ें बताई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है आपको वैल्यू निकालनी है उस पॉलिनोमियल की। कैसे निकलेगी वैल्यू? जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ही आप ये बुक में देखिए, जैसे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो इसमें x की डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 3 है, 2 भी है लेकिन हाईएस्ट कितनी है? 3। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उन्होंने बोला है कि p1 निकालो। p1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखोगे। यहां आपने px लिखा तो p1, 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले सारे मल्टीप्लीकेशन होंगे, बाद में प्लस माइनस होंगे। 5 1 का क्यूब 1, 5 1 जा 5, माइनस 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3, माइनस 2। अब 5 में से 2 गया 3, 3 प्लस 3 6, 6 में से 2 गया 4। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपको वो वैल्यू रखनी है क्वेश्चन में जो आपको दी गई होगी x की, और उससे फिर उस px की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपने करना है। तो अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 2.2 पर। ये देखो मैंने आपको यही एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल भी समझाया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। सपोज देयर इज अ पॉलिनोमियल 5x² माइनस 3x प्लस 7। इफ वी रिप्लेस 1 एवरीवेयर इन प्लेस ऑफ x, अगर हम 1 हर जगह रखें x की जगह पर, तो ये बन जाएगा p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 7 9। p1 की वैल्यू कितनी आई? 9। इसी तरीके से अगर आप 0 रखें तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 0 रखेंगे, आप पूरी इक्वेशन में 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई? 7। p1 की वैल्यू 9, p0 की वैल्यू 7। सो दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आंसर आए दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2। मतलब कि ये तीनों रखनी है एक बार, किस में? इसी में। क्वेश्चन यही रहेगा, बस x की वैल्यूज चेंज करनी है। तो देखो ये पॉलिनोमियल है px 5x² माइनस 4x, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में 0 पुट किया x की जगह, px की जगह पर px यानी p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 3। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई? सेकेंड पार्ट में आपको x को क्या रखना है? माइनस 1। इक्वेशन यही रहेगी, पहले px x की जगह माइनस 1, यानी px p माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 कितना आ गया? माइनस का 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना आ जाएगा? 9, 5 और 4 9 प्लस 3, प्लस 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। तो 9 में से 3 जाएगा 6 और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। अब लास्ट टर्म में आपको x को क्या रखना है? 2 रखना है। अब x को क्या रखोगे? 2 रखोगे, पॉलिनोमियल वही है, तब आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 3। इसी तरीके से आपने वैल्यूज निकालनी है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब हर एक पॉलिनोमियल में, अब यहाँ आप कहोगे x नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशन x में हो, y में हो, a में हो, b में हो, t में हो, x में हो, वट एवर जो भी वेरिएबल हो, ठीक है। तो देखो p 0 भी रखना है, p
वन भी रखना है यहाँ और टू भी, मतलब एक क्वेश्चन को तीन बार करना है। देखो कैसे करना है, एक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। पहले जीरो पुट किया पूरी क्वेश्चन में, आपका आंसर आ गया वन। जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन। फिर इसी इक्वेशन में हमने वाई को वन पुट किया, ये पी वन इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, वन में से वन गया जीरो, क्या बचा खाली वन। फिर हमने वाई को टू पुट किया इसी क्वेश्चन में, पी टू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू का स्क्वायर मतलब टू टू जा फोर, ये नहीं है कि इस टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो टू टू जा फोर आया, इस टू को दो बार लिखना है इस तरीके से, टू टू जा फोर माइनस टू प्लस वन, फोर में से टू गया टू, टू प्लस वन थ्री, तो पी टू की वैल्यू थ्री आ गई। अब इसी तरीके से आपने इसके नेक्स्ट थ्री पार्ट्स करने हैं, ठीक है, खुद करोगे आप। किसी को कोई डाउट होता है तो मैं आपको बताऊंगी, और बाकी के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये मैं आपको कल बताऊंगी।